शिकायत के आधार पर हमने आज इस जयपुर रोड पर स्थित गांव काकरिया भोड़ा भाई पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं इनका निरीक्षण किया। निरीक्षण में देखने के लिए कि इनकी क्वालिटी वास्तव में मेंटेन की जा रही है नहीं की जा रही है। इनके पास Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. जयपुर रोड पर 8-10 रेस्टोरेंट हैं जो कि लेट नाइट आवर्स में चलते हैं, जिनमें कि खाने के लिए जनता आती है यहाँ। और कुछ दिन से यहाँ इनके रेस्टोरेंट्स के बारे में शिकायत मिल रही थी कि यहाँ जो खाने की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मिल रही है। उन शिकायत के आधार पर हमने आज इस जयपुर रोड पर स्थित गांव काकरिया भोड़ा भाई पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं इनका निरीक्षण किया। निरीक्षण में देखने के लिए कि इनकी क्वालिटी वास्तव में मेंटेन की जा रही है नहीं की जा रही है, इनके पास फूड लाइसेंस है कि नहीं है, साफ़ सफाई है कि नहीं है, कि रेस्टोरेंट्स की किचन की हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं, या जो फूड क्वालिटी काम में ले रहे हैं वो खाने के लायक है कि नहीं, उसको सब निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ भी हमको कुछ कमी नज़र आई है उसके लिए इनको सफाई करने के लिए, हाइजीनिक सुधार करने के लिए और फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनको हिदायत दी है। इनके पास लाइसेंस सबके पास मौजूद हैं और उसके बावजूद भी हमने जो सब्ज़ी में ग्रेवी जनरली काम में आती है जिसकी वजह से पेट में खराब होती है या दस्त लगते हैं या उल्टी होती है या नौसिया होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए ग्रेवी के सैंपल लिए हैं जिसको जाँच के लिए हम जाँच प्रयोगशाला में भिजवाएंगे। जाँच रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी तरह कमी पाई गई तो उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ अभी 22 तारीख से 28 तारीख तक होली पर विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि जितने भी खाद्य कारोबारी हैं, जो मिठाई की दुकानें हैं, दूध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ हैं, उन सब की नियमित रूप से हम सैंपलिंग करेंगे और उनकी भी जांच करा करके आगे कार्रवाई करेंगे। जाएगा कहाँ फिर? जोधपुर। हाँ यार करने के लिए दवा डाली है। दोनों